अरे बहुत जल रहा है। ठीक है, फिर मैंने अभी कपड़े चेंज करे, फिर मैंने देखा क्योंकि बच्चों के साथ लगे हुए थे, मेरा अंडरआर्म जल गया है, बर्निंग मार्क्स हैं, इस वाले में भी है, इस वाले में भी है। जला दिया मेरा पैर, ये पूरा लाल जो दिख रहा है ना, ये इतना गंदा। मैं उनसे वही कह रही थी, मुझे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है 11 तारीख बुधवार और मैं अभी बहुत सारे कॉल करी थी। मुझे ना बहुत ज़्यादा स्किन केयर, स्पेशली मेरे को ना इतनी डेड स्किन हो गई है, फिर मुझे वैक्सिंग करानी है, फिर मुझे थ्रेडिंग करानी है और मेरा निकलना हो नहीं पाता, और निकलना हो भी पाता है तो सिर्फ और सिर्फ थ्रेडिंग के लिए हो पाता है। इतना लंबा मैं निकल नहीं पाती हूँ, तो मैं ना कॉल करी थी। तो कल मैंने लिया है पार्लर से, तो मैंने 2-3 फेशियल बोले हैं। स्पेशली मुझे डेड स्किन बहुत ज़्यादा हो रही है और इट्स बीन अ वाइल जब से हम लोगों ने, मतलब मैं और राजा जाते थे पहले वेव्स, दोनों बैठ के रिलैक्स करते थे, आप लोगों ने कभी वीडियो देखी होगी, दोनों फेशियल कराते थे। बहुत टाइम हो गया है, सालों से मैंने फेशियल नहीं कराया, करा है घर पे खुद से तो किया है, पर खुद से वो नहीं आ पाता क्योंकि यार इतनी जल्दी जल्दी करना पड़ता पैसा। फिर मैं आराम से बैठ के डेड स्किन वगैरह बहुत अच्छे से निकाल लेती थी, बट अब इतनी ज़्यादा डेड स्किन हो रही है मुझे। तो मैंने फेशियल एक बुक किया है, फिर मैंने वैक्सिंग बुक करी क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं, नवरात्रि आ रही है, फिर मैंने थ्रेडिंग बुक करी और एक मैं अभी कराऊंगी, एक मैं फिर 15 दिन बाद फिर से करवा चौथ से पहले मैं सोच रही फेशियल और करा लूँगी। स्किन बहुत ज़्यादा, मेरी यहाँ पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि पूछिए मत। तो अभी बुक करा मैं आज ही के लिए, कह रही थी उसे कि आज ही आ जाए, और मुझे कुछ हेयर का भी काम कराना है, तो हेयर की जो करते हैं वहाँ पर वो 19 तारीख तक गए हुए हैं, कहीं पर गई हुई हैं, तो वो आएंगी 19 के बाद, तो फिर मैं बीच में जाकर जो है वो कराऊंगी। तो जो भी है ना वो मैं अब कराऊँ, यार पता चेहरे की वाट लगी पड़ी है। अब मैं खुद पे ध्यान देना शुरू कर चुकी हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है वेट लॉस करने की भी कोशिश कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि लाइफ तो चलती रहेगी, खुद पे ध्यान नहीं दोगे ना तो आपको अंदर से भी अच्छा ही लगेगा। तो राजा एड्रेस बता रहे हैं, तो वो लोग आ गए हैं, मतलब आ गई हैं वो मुझे फेशियल और वैक्सिंग के लिए। आपको भी कराना है? पापा हम जा रहे हैं नीचे। तो आ गए हैं और आज एक मदर को इतने टाइम बाद मिलने वाला है फेशियल। हाँ बेटा, और थोड़ी पैम्परिंग क्या? अच्छा कपड़े पहनो। तो शाम में आ गई थी जो पार्लर वाली मैंने बुलाई थी, तो इनका वो है पार्लर है, तो यहाँ पे वहाँ पे वो काम करते हैं, तो ये आ गई और गद्दा मैं लेके आई थी क्योंकि उन्होंने कहा कि जब फेशियल करेंगे तो रिलैक्स होने की जरूरत है। रिलैक्स हालांकि मैं नहीं हो पाई और फेशियल बहुत अच्छा था, पहले मैं आपको बता रही हूँ, फेशियल कराना अच्छा डिसीजन था, वैक्स कराना अच्छा डिसीजन नहीं था। तो डुगू थोड़ा सा रो रहा था अभी। हाँ, तो मैंने ना फेशियल सिलेक्ट कर लिया था, उससे पहले मैंने D10 भी लिया था, 350 का अराउंड D10 उन्होंने मुझे दिया था, तो उन्हें बड़ा स्किन और अच्छी हो जाएगी। डुगू देख रहा था कि मैं करवा क्या रही हूँ, तो वो भी थोड़ा प्यार के लिए आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे अपनी जो झूली थी वो रिमूव करी और उसके बाद फिर जो हेड बैंड है वो लगाई उन्हें। तो उससे पहले डिटैनिंग हो रही, डिटैनिंग से पहले क्लिंजिंग होती है, उसके बाद डिटैन जो फेस पैक है वो लगाया जाता है, अगर आप डिटैन फेशियल से पहले कराते हो तो, अदरवाइज आप तो डायरेक्ट करा लो, इट्स लाइक मेरे को लगता है कि डायरेक्ट ही करा लेना चाहिए, क्योंकि डिटैनिंग की मुझे लग रहा था कि मुझे जरूरत नहीं थी, बट वो फिर बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि आपका ये क्लीन हो जाएगा, आपके ये पिगमेंट क्लीन हो जाएगा, तो मेरे को लगा है, मेरे को पता मेन मेरा फेशियल डेड स्किन एंड पिगमेंट, और उसके बाद फिर यहाँ पे उन्हें क्लेंजिंग कर ली, उसके बाद फिर मैं वो डिटैन का जो पैक है वो लगा रहे थे। तो उनकी फेशियल सर्विस मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बट जो मेरे साथ हुआ वो आने वाले वीडियो में देखिएगा, मतलब आगे वीडियो में, क्योंकि मुझे भी उस टाइम पे समझ नहीं आया, मेरे से बर्निंग हो रही थी, बाद में जब मैं रात में फ्री हूँ उस टाइम मैंने देखा तो मुझे काफ़ी सारे बर्निंग मार्क्स, छाला हो गया था, तो काफ़ी बुरा जल गया मुझे वैक्स से, और मैंने बोला भी था कि मुझे जल रहा है, पर उनको लग रहा था कि मुझे पेन हो रहा है,
मेरी पेन टॉलरेंस नहीं है इतनी, बट मैं करती रहती हूँ ना, तो मुझे पता था यार बहुत गर्म लग रहा था। उसके बाद मैं जिया के साथ खेल रही थी, इस बीच में जो वैक्स है वो गर्म हो रहा था, एंड यू वोंट बिलीव इट, बच्चे इतने सपोर्टिव मेरे, मेरे को वो ही लग रहा था यार मेरे बच्चे इतने प्यारे कब से हो गए, मतलब है तो प्यारे ही पर इतने अच्छे कि मैं बता नहीं सकती। स्पेशली ना डुग्गू, जिया को तो बीच में भूख लग गई थी, पर डुग्गू इतना ज्यादा सपोर्टिव, वो खेल रहा था, उसने ऐसा नहीं कि परेशान किया है कुछ। तो मुझे अभी पता चल गया कि मैं घर में पार्लर सर्विस ले सकती हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि अपने में खेलने में, डुगू की एज के जो बच्चे होते हैं वो अपने में लगे रहते हैं, खेलते रहते हैं, बस उन पर ध्यान देना पड़ता है कि वो कुछ खा पी ना ले या फिर कुछ ऐसी शैतानी ना कर ले, लाइक प्लग्स वगैरह वो सब, तो वो आपको अपने हिसाब से सेफ्टी देखनी पड़ती है। बट बच्चा अपने आप संभलने लगता है इस उम्र में। तो यहाँ पे वो बहुत गौर से देख रहा था, उसके बाद मैंने उसके लिए थोड़ा कोको मेलन भी चला दिया, वो भी देख रहा था वो। इस बीच में जो मेरा उन्हें डिटैन का फेस पैक लगाया था वो ने मुझे मसाज के थ्रू निकाला, एंड देन वो पानी से उसे रिमूव कर रही थी। उसके बाद स्क्रबिंग का स्टेप कर रहे थे। जो स्क्रबिंग है ना, ये मैंने विटामिन सी फेशियल लिया था, ये वाला, ये अराउंड आई थिंक 1200 का था और 350 डिटैन, तो मुझे टोटल फेशियल 1550 रुपीज में पड़ा था। इनके विजिटिंग चार्जेस भी थे और ये कोई ऐप के थ्रू नहीं था, ये लोकल पार्लर था, वहीं से मैंने बुलाया था। उसके बाद वैक्सिंग के जो थे वो अलग है, आजकल वैक्सिंग के चार्ज अबव 500 है, अगर आप कोई भी अच्छी वैक्स कराते हो तो फिर वो 1000 रुपए के ऊपर पहुंच जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं, उन्हें स्क्रबिंग कर दी और उसके बाद फिर स्टीम लेंगे, क्योंकि जो पोर्स है उन्हें ओपन करना था और जितनी डेड स्किन है उसे निकालना था। मेरा मेन फोकस यही था, मुझे लगा मैं क्लीनअप भी करा सकती थी बाद में, मुझे ऐसा फील हुआ था, बट ठीक है चलो। तो यहाँ पे मैंने स्टीमर से उन्हें जो है पूरे पोर्स ओपन करे, और जैसे स्टीम आप लेते हो ना उसके बाद जस्ट आपको जो टूल है वो यूज करके अपने जो डेड स्किन है उसे रिमूव करना होता है। टाइम लोगे तो वो ओपन पोर्स क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, तो वो जल्दी जल्दी स्टीम दिया, फिर उसके बाद उन्हें क्लोज मतलब क्या बोलते हैं वो टूल के थ्रू जो डेड स्किन थी वो निकाली। यहाँ जिया चुन्नी डाल के खेल रही थी अपने ऊपर, उसके बाद ये चुन्नी हमने अलग कर दी थी, वो बहुत खुश हो रही चुन्नी डाल डाल के, कपड़े डाल के बच्चे खेलते हैं बट थोड़ा अनसेफ भी जाता है वो। उसके बाद फिर आते हैं हम अपनी मसाज वाले, ये सबसे रिलैक्सिंग था, मेरे को लगा सो जाती हूँ थोड़ी देर, बट बच्चों को मेरी नजर इधर उधर थी कि कर क्या रहा है, मेरे को लगता है कि वो कुछ ऐसा वैसा कुछ खा ना ले, वैसे खाता डुबू कुछ नहीं है, फिर भी आपको लगता है ना रूम में या गिर ना जाए या कुछ ना हो जाए, तो मैंने आराम नहीं कर रहा। लेकिन मसाज के टाइम पे भी अगर लगता है, मेरे को बस नींद आ रही थी, जितने अच्छे से प्रेशर पॉइंट्स पे प्रेशर दे रहे थे तो बहुत ज्यादा लाइक रिलैक्स लग रहा था। तो फेशियल मैंने जैसे बोला, फेशियल तो मुझे अच्छा लगा, मैंने हाया कराया तो अच्छा लगा बहुत दिनों बाद। वैक्स से मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो, फिर मैंने पैर के वैक्स किया और उसके बाद फिर यहाँ पे वो मसाज कर रहे थे, और मसाज करने के बाद फिर वो फेस पैक अप्लाई कर दिया, लास्ट स्टेप होता है। मैंने यहाँ पे क्लीन रहा, डुगू भी खेल रहा था यहाँ पे लेट को, उसे लग रहा था कि उसको भी कुछ कर दो भाई, उसको भी मसाज की जरूरत है, तो वो बोल रहा था वहाँ पे कि मसाज या कुछ तो लगा दो उसके, अगर आप कुछ मेकअप लगाते हो ना तो डुगू भी अपने होठ आगे कर दिया, बताया उन्हें लिपस्टिक लगा दो, मतलब कि दिखाता है कि लगानी है। उसके बाद सब कुछ हो गया, फेस पैक वगैरह रिमूव हो गया, फिर मैंने अपनी थ्रेडिंग जो है वो कराने के लिए बैठ गई थी, और इस बीच में जो कैमरे की बैटरी थी वो हो गया। इस टोटल प्रोसेस में अराउंड 2.5 आवर्स या 2 घंटे के आसपास लगे थे, बट जल्दी से जो है ना मैम को बहुत अच्छा लगा है। हर औरत को, माँ को, हाउसवाइफ को अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, बट मेरा टाइम मुझे थोड़ा सा उल्टा पड़ गया कल, क्योंकि प्लीज आगे की वीडियो जरूर देखिएगा। फेशियल करा लिया है, वैक्सिंग करा ली है, अंडर आर्म्स करा लिया, बहुत ज़्यादा जल रहा है, थ्रेडिंग करा ली है, अपर लिप्स करा ली, लेकिन पूरा काम जो है वो करा लिया, बहुत आवाज़ कर रहा हूँ। फिलहाल मैं जा रही हूँ इस रूम से बाहर, मतलब अपने पोर्शन में, ये वाला पार्ट डुगू ने बहुत अच्छे से करा दिया, मेरे अंडा बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं, क्योंकि जब फीड कराते हो ना तो वहाँ पे पता नहीं मिल्क के डक क्या होते हैं यार, वो ना अंडर आर्म्स में ना स्वेलिंग रहती है, मेरे को अंडर आर्म्स में 2 साल से ना स्वेलिंग है दोनों साइड में, ऐसी वाली आई मेरे ऐसे जल रहा है ना, ऐसे मिर्ची मार दी किसी ने, तो बहुत अच्छे से हो गया, बहुत रिलैक्स हो गया। ये वाली पिगमेंटेशन है ना, इस पर काम कर रही हूँ मैं अभी, ये बोल रही थी पूरे ब्लैक हेड्स है, अगर आप 4-5 बार फेशियल की सेटिंग लोगे तो उससे बाई स्टीम जो है बाहर आ जाएंगे। आज थोड़ा हल्का लग रहा है पर ये मार के, ये देखिए ये है ना, ये स्टीमर से निकाला था, बाकी करा लिया। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर, मैं चेंज कर लेती हूँ एक बार फिर से, सोच रहे थे मेरे हाथ बहुत जल रहे हैं। Thank you.
तो फेशियल करा के मुझे ना टाइम ही नहीं मिला इतनी देर से, मैं इन लोगों को खिला रही थी और लोग खेल रहे थे, उसके बाद मैंने भी खाना रेडी किया है और हालत ख़राब हो गई, क्या मतलब निकला पूरा। तो अभी जो है मैं तड़का लगा रही हूँ, तड़का लग गया है। डुगू के लिए मैंने दाल पालक बना के रखी है और अपने लिए भी मैं थोड़ी सी लूँगी उसमें से। और ये है अरहर की दाल और ये लोग बहुत अभी परेशान कर रहे हैं, चरचन बता रहे हैं, दोनों ना गलत टाइम पे सो गए हैं। और ये अब रात भर करने वाले कुछ, तो ये ना नॉर्मल अरहर की दाल मैंने एक बना दी है, एक ही दाल पालक है, इसमें मैं तड़का लगा रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे ना आलू गोभी की सब्जी कर दी, क्योंकि ना बहुत सारा टाइम वहीं पर लग गया, पर खाना तो बनाना ही था यार, वो हमारी ड्यूटी है ना, तो इसीलिए तो मैं यहाँ पापड़ भी कर दिए। फिर मैंने इसके अंदर है राइस, सैलड भी कट कर दिया है और थोड़ी बहुत कर्ड अगर किसी को चाहिए होगी तो ले लेंगे, तो ये भी मैंने कर दिया। पता मैं क्या करती हूँ समझ में नहीं आ रहा था, मैं कोई लग रहा था कि खाना बस मिलना है ये, तो रोटी बनाने की मेरे अंदर आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। जब आप अपने लिए कुछ करते हो, आराम ज़्यादा करते हो, तो आपको और आलस आता है। तो एकदम प्लेन तड़का दे रही हूँ मेरी मूँग पालक को, और एक टमाटर मैंने इसी में मैश भी कर दिया था बनाते टाइम, तो एकदम प्लेन तड़का है, कोई मसाला नहीं, बस एक बार घी का और जीरे का तड़का है, क्योंकि बच्चे के लिए है। दाल पालक हो गई है रेडी, ये भी हो गई तैयार है ना, ये पालक और दाल हो गई, मूंग दाल है, बच्चों को ना ऐसे गैस नहीं होती, अरहर की दाल थोड़ी सी गैसी होती है, तो इसलिए पता कोई दाल भी बाहर आ गई, मेरे को गैस साफ करनी है। तो चलिए ये वाला मैं निकाल रही हूँ खाना, खाना निकाल के मैं लेके जा रही हूँ। ये मैंने ना कॉफ़ी बनाई है, क्योंकि अभी ये लोग सो रहे नहीं हैं और हम लोगों को बहुत नींद आ रही है, तो थोड़ा सा हम लोग को जगने के लिए कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग ऐसे कोल्ड कॉफ़ी ले लेते हैं रात में, वो हम लोग बैठ के मतलब ऐसे ही लेते हैं, ये हम जगने के लिए ले रहे हैं। बन गए तो चलिए आ रही दे देते राजा को, और मैं अभी चलती हूँ और पी लेते हैं। तो अब जाके मैं कहीं फ्री हुई हूँ, बच्चे सोए हैं, और मुझे ना क्या पता नहीं शौक लगा था आज, पर मेरे को कराना था यार, इसलिए मेरे को शौक लगा। और 3 महीने पहले मैंने इन्हीं से बात करी थी, ये पास ही में क्लिक थोड़े से डिस्टेंस पे पार्लर है, मैंने इसे होम सर्विस के लिए सर्च किया था और मुझे मिला, तो फिर मैंने कॉल किया, 2-3 महीने पहले कॉल किया था, और उस टाइम पर ये कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, मैंने नहीं कराया, फिर मैंने इन्हें आज बुलाया। उसके बाद फिर पता है 2 घंटे मैं अपनी चेन और अंगूठी ढूंढती रही, मेरी जो चेन थी वो मैंने उतार के रखी थी, अंगूठी उतार के रखी थी, मेरा दिमाग इतना चल गया कि मेरे को चेन नहीं मिली, मेरी अंगूठी नहीं मिल रही। फिर मैंने देखा मैंने चेन पहन ली थी, गले में थी चेन और मैं चेन ढूंढ रही थी, पता नहीं क्या दिमाग चला था। उसके बाद फिर अंगूठी जो है फिर मैं जाके ढूंढ के लाई हूँ, तो ये मेरी अंगूठी जो है मुझे मिली, ये करवा चौथ पे राजा ने मुझे दी थी, तो ये मैं पहनती वाली अंगूठी, तो ये मिली। 2 घंटे तक उसमें लगी रही, फिर आगे खाना बनाया। जब मेरी वैक्सीन हो रही थी ना, तो मुझे इतना दुख रहा था, मेरी थ्रेडिंग भी यहाँ से ना काट दी है, यहाँ पे ना ये देखिए आपको मार्क दिख रहा है, थ्रेडिंग काट दी, इतना जल रहा था। मैं उनसे कह रही थी मुझे ना बहुत ज़्यादा ना जलन हो रही है, तो वो गर्म है वैक्स बहुत ज़्यादा, और ऐसा नहीं है आपको पता है मैं खुद भी वैक्स वगैरह कर लेती हूँ, तो उस टाइम पर वो कह रही थी कि यार वैक्स नहीं गर्म नहीं है, क्या बोलते हैं को नहीं वो लग रहा है क्या बोलते हैं, और अंडर आर्म्स मेरे को बहुत दुख रहे थे, वही आपने बहुत टाइम से कराया नहीं है, मैंने बोला मुझे जल रहा है बहुत ज़्यादा, तो वही तो आपने कराया नहीं है इसलिए आप बहुत टाइम से, और मैंने बहुत टाइम से नहीं कराए थे, मैं खुद करती थी पहले, तो इसलिए मैंने बोला नहीं यार, पता है जो इंसान बेबी की पेन झेल लेता है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी ये सब चीज़ें झेलने के लिए वो रह होती है, तो मेरे को समझ में आया मेरा पैर ही बहुत जल रहा है। ठीक है, फिर मैंने अभी कपड़े चेंज करे, फिर मैंने देखा क्योंकि बच्चों के साथ लगे हुए थे, मेरा अंडरआर्म जल गया है, यहाँ से भी जल गया है, और आई डोंट नो उन्होंने गरम वैक्स करा दी, मुझे बहुत जल रहा है, पर वो नहीं मानने को तैयार। मैं ना सोच रही थी कि चलो आज वो भी ट्राई करते हैं, वो बिकनी भी करते हैं, तो मैंने थैंक गॉड मैं बच गए, अंडरआर्म्स मेरे यहाँ से इतने अभी भी यहाँ पे पूरे ना बर्निंग मार्क्स हैं, इस वाले में भी है, इस वाले में भी है, और मेरे को पूरी ज़िंदगी में वैक्स कराने में इतना दर्द नहीं हुआ। और एक टाइम पे ऐसा होता है कि आपकी पेन टॉलरेंस जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है अगर आप वैक्स करा रहे हो, फर्स्ट टाइम करो तो आपको दर्द होगा, उसके बाद फिर आपको पता नहीं चलता है ऐसे, और मेरे को इतना वैक्स कराते हुए जल रहा था, इतना जल रहा था कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद फिर जाके मैंने देखा तो यहाँ पर छाला पड़ गया, यहाँ मेरे पूरे लाल लाल मार्क्स हैं,
यहाँ पे बहुत गंदे मार्क्स हैं, तो वो मेरे को कल जाके उनसे बात करनी है कि भैया आपको बुलाया और आपने क्या सर्विस दी है। पता नहीं क्या, मैं वही बोल रही हूँ, मुझे गर्म लग रहा है। अगर आप पार्लर वालों को बोलते हो ये गर्म लग रहा है तो एटलीस्ट चेक करते हैं। बोल रही थी नहीं आपसे नहीं, आपको ज़्यादा गर्म लग रहा है या क्यों लग रहा है, आपने कराया नहीं है, वो नहीं कराया। मैंने बोला ऐसा सच मैं खुद भी करती हूँ, मेरे को पता है यार। और होता है अगर आप लोग वैक्स कराते हो तो आपको पता है कि कितना गर्म सही है, कितना दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर जब वो चली गई तो मुझे ना पैर में बहुत जल रहा था, अंडरआर्म्स मेरे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ना मिर्ची लगा देता है ना कोई, जलता रहा। पर मैं अपनी चेन और उसमें लगी रही। उसके बाद फिर जाके मैं उसमें क्या बोलते हैं, यहाँ खाना वाना बनाया, फिर जाके मैं भी नहा के आई। मैंने बोला यार मेरे को अभी भी बहुत जल रहा है। फिर राजा ने देखा है मैं छाला पड़ गया। राजा ने छाला कैसे हो गया, मेरा घुटना दुख रहा था, उन्हें बाम लगाई है, उन्होंने छाला हो गया है, तो फिर छाला देखा मुझे। फिर मैंने ना अभी जाके शीशे में लाइट जला के अंडर आर्म्स चेक करे, मेरे अंडर आर्म्स ऊपर से नीचे से, यहाँ पे ऊपर से नीचे से जले हुए हैं और यहाँ पे कट। कल जाती हूँ मैं, बात करती हूँ, मैं दोबारा कभी सर्विस के लिए बुलाऊंगी। राजा तुम मेरे से बोल रहे थे कि तुमने इतने टाइम पहले बात करी थी, उस टाइम कुछ था जब मैंने बात की थी, नामकरण था या क्या था। फिर उन्होंने बोला अब तुम्हें ऐसा क्या फितूर चढ़ गया कि तुमने एकदम से, मतलब आज ऐसा हुआ कि राजा को मैंने बोला भी नहीं, मैंने बस बोला कि मैंने बुला लिया। उसके बाद मैं राजा को बस ये बोला एड्रेस एक्सप्लेन कर देना और वो यही हो गया, कांड कर गया हुआ और जल रहा है। पता है अभी ये छाला तो फिर भी हो गया, पैर मेरा घुटना अलग वो हो गया, पता नहीं घुटने में अलग सी चरमरा रहा है मेरा घुटना, इतना दुख रहा है। जाके करवाना पड़ेगा, राजा कह रहे एक्सरे करा दो। तो स्पॉट्स है पूरे, जला हुआ, पूरा जला पड़ा है। ये मेरे पैरों के इतने डिफरेंट कलर नहीं थे जितने डिफरेंट कलर दिख रहे हैं। देखिए मैं पहले मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि हाँ चलो चेहरा थोड़ा साफ दिख रहा है, चेहरा तो राजा ने बोला फेशियल करा लेती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। मैंने बोला मैं जा रही हूँ कल बात करूँ। बात ये है कि आप पैसा दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट सर्विस तो यार जला दिया। इतना महंगा वैक्स, इतना महंगा फेशियल, उसके बाद आपको जल्दी पड़ी थी। ये पूरा लाल जो दिख रहा है ना, ये एकदम गरम गरम तपता वैक्स रखा है मेरे पैर पे। ये देखो ये यार बहुत जलाया है।